अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। अब उज्जैन से अयोध्या करीब 3 ट्रकों से भगवान महाकाल के लड्डू पहुंचाए जाएंगे। इसको लेकर खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सुबह उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की चिंतामन जवासिया स्थित श्री महाकालेश्वर भगवान के भोग लड्डू निर्माण इकाई पहुंची। यहां उन्होंने लड्डू इकाई में बैठकर अपने हाथों से खुद लड्डू बनाए हैं। देखिए ये तस्वीर है। अयोध्या के मंदिर में भले ही भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी सोमवार को होगी, लेकिन इस उत्सव में बाबा महाकाल के लड्डुओं की मिठास भी बनी रहे, इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन से बाबा महाकाल की 5 लाख लड्डू प्रसादी अयोध्या भेजने की घोषणा तो कर ही चुके हैं, लेकिन इस प्रसादी का निर्माण और कार्य कितने प्रतिशत पूर्ण हुआ और इन लड्डुओं को कब तक अयोध्या के लिए भेजा जा सकता है, इस बात की जानकारी लेने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सुबह श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की चिंतामन जवासिया स्थित श्री महाकालेश्वर भगवान के भोग लड्डू निर्माण इकाई पहुंचे। यहां उन्होंने लड्डू इकाई में बैठकर लड्डू बनाए और पैकिंग करने के साथ ही उपस्थित कारीगरों से चर्चा भी की। अब तक बन चुके हैं लगभग 4 लाख लड्डू। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाकालेश्वर प्रबंध समिति की चिंतामन स्थित लड्डू प्रसाद निर्माण इकाई पहुंचकर अयोध्या के लिए बन रहे लड्डुओं की निर्माण प्रक्रिया का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने खुद लड्डू बनाए और उनकी पैकिंग भी की और साथ ही लड्डू बना रहे कारीगरों से बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि अयोध्या में नव निर्मित भगवान श्री राम मंदिर के शुभारंभ अवसर पर महाकालेश्वर प्रबंध समिति द्वारा 5 लाख लड्डू प्रसाद स्वरूप अयोध्या भेजे जा रहे हैं। इनमें से 4 लाख लड्डू बन चुके हैं और शेष 1 लाख लड्डू बनाने का काम जारी है। सीएम ने बताया कि आगामी 17 से 18 जनवरी को लड्डू का ये निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, जिसके बाद 21 जनवरी तक बाबा महाकाल के लड्डू का ये प्रसाद अयोध्या पहुंचाया जाएगा। MKN न्यूज की डेस्क रिपोर्ट।